पंजाब से है, जहां पर पीआरटीसी और पनबस के कच्चे मुलाजिमों की हड़ताल का आज दूसरा दिन है, जिसके चलते पंजाब में सभी बसों को रोक दिया गया है। कल से ही उनकी अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो गई थी और इसी कड़ी में आज सभी कच्चे कर्मचारी पंजाब सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के घर पर जाकर उनके घर के सामने पक्का धरना देने जा रहे हैं। आपको बता दें कि कल ही यह अनिश्चितकालीन हड़ताल उन्होंने शुरू की थी पनबस के और पीआरटीसी के कच्चे कर्मचारियों ने। इस दौरान उन्होंने पक्के करने की मांग को लेकर यह धरना प्रदर्शन किया और साफ तौर पर अनिश्चितकाल के लिए यह हड़ताल उन्होंने शुरू की है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक उनको पक्का नहीं किया जाएगा, उनकी मांगें नहीं मानी जाएगी, तब तक तमाम ये जो मुलाजिम हैं ये सड़कों पर ही बैठे रहेंगे और सीएम के घर के बाहर पक्का धरना देने भी आज किए जा रहे हैं। आज दूसरा दिन, कल पहला दिन रहा और इसी बीच इस तरीके की स्थितियां भी बनी जिसमें आम नागरिक को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि पूरे तरीके से बसों को रोक दिया गया था। पंजाब में जितनी भी बसें थी उन तमाम बसों को रोक दिया गया था, चक्का जाम कर दिया गया था और उन बसों को रोकने की वजह से सीधे तौर पर वहां मौजूद यात्रियों को बेहद ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि अपनी गंतव्य से मंजिल तक जाने के लिए जिस तरीके से वहां पर बस स्टैंड पर पहुंचे थे यात्री, लेकिन जब वहां पर पहुंचे तो सीधे तौर पर उन्हें पता चला कि बसें नहीं चल रही है, चक्का जाम है, जिसकी वजह से उन्हें काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। और इसी के मद्देनजर सीएम जो है वो हो सकता है कि जल्द ही इनसे बात करेंगे। आपको बता दें कि आज सभी कच्चे कर्मचारी जो हैं पंजाब की पीआरटीसी और पनबस की, तमाम कच्चे कर्मचारी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अनिश्चितकाल धरने पर हैं वो और आज उनका दूसरा दिन है। कल पहला दिन रहा अनिश्चितकालीन धरने का, कल इस हड़ताल को शुरू किया गया था और आज यह हड़ताल दूसरे दिन में प्रवेश कर गई। इससे ज्यादा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, फिलहाल जिस तरीके से आज दूसरा दिन इन कर्मचारियों की प्रदर्शन का है, कल जो पहला दिन था, कल किस तरीके से ये दिन रहा और किस तरीके से जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ा? अरे, कल जनता को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। अगर हम बात करें तो पीआरटीसी और पनबस की जो बसेस अचानक से रोक दी गई थी, वार्निंग दी गई थी कई बार मुलाजिमों की तरफ से कि हम लोग धरने में चले जाएंगे, कोई मांगे नहीं सुनी गई, बकायदा कमेटियां बनाई गई जिससे बातचीत चलेगी, उसके बाद ट्रांसपोर्ट मंत्री अजय सुल्ताना से भी इनकी मुलाकात हुई, पर कोई हल नहीं निकला। तो फाइनली कच्चे मुलाजिम तो हम कह सकते हैं कि उनके फ्रस्ट्रेशन लेवल इतना बढ़ गया कि उन्होंने फाइनली एक धरना शुरू कर दिया, एक पक्का धरना शुरू कर दिया और सभी कच्चे एम्प्लॉयज पूरे पंजाब में सभी चीजें छोड़ के अब धरने में बैठ चुके हैं। उनकी एक ही मांग है, या बसेस बढ़ाई जाए और इन्हें पक्का किया जाए, इन दो मांग से बैठे। कल अगर हम बात करें तो कल सिर्फ कुछ गिनी चुनी बसें चल रही थी। अब एग्जांपल मैं ऐसे दे सकता हूँ कि जैसे कि अगर आपने मोहाली तक आना है, मोहाली तक जहाँ पहले एक एवरेज 10 बसें आती थी, तो कल सिर्फ पंजाब से एक बस आती हुई नजर आई, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 10 में से सिर्फ एक बस का चलना और वो भी सिर्फ एक रूट पे कितना बड़ा अंतर देखने मिलता है। लोगों में काफी परेशानियां थी, लोगों में अब ये सवाल है कि क्या ये धरना और भी दिन चलेगा या सिर्फ एक दिन का था, क्योंकि लोग बोल रहे हैं कि उनको ड्यूटीज के लिए आना है, बहुत लोगों की परेशानी, बहुत सारे लोग लेट हो गए और कई लोग तो अपनी ड्यूटी से पहुंच ही नहीं पाए क्योंकि उनके रूट के लिए जो बसें चलती थी वो नहीं चल रही है। आपको बता दें सरकारी मुलाजमों की अगर हम बात करें, जो अभी जो बस ड्राइवर चल रहे हैं वो सारे परमानेंट, ये हम कहेंगे जो जिनकी वो पक्के हो चुके हैं, उनमें से 300 कुछ करीब के ड्राइवर्स हैं और 290 कुछ कंडक्टर्स हैं, यही सब है जो अभी ड्यूटी पे आ रहे हैं और इससे कई ज्यादा बाकी जितने हम बात करें, आपको जितने भी कच्चे मुलाजम वो सभी धरने में बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि हम सबको जब तक पक्का नहीं किया जाता तब तक हम लोग वापस नहीं जाएंगे। तो उसी कड़ी में आज इन्होंने पंजाब सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के घर के आगे जाके अपना पक्का मोर्चा लगाना। जी हाँ, एक तरफ से जहाँ पे सभी डिपोज पे धरना लगा दिया गया है, तो अब एक स्टेप और जा रही है, वो पंजाब सीएम के घर के आगे भी जाके पक्का धरना लगाएंगे। अब ये देखना होगा क्या उनको उनके घर तक जाने दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ चंडीगढ़ की हम बात करें तो यहाँ पे दो घर है उनके, एक जहाँ उनका सरकारी घर है वहां पे और दूसरा जो उनका सिसवा फार्म हाउस है वहां पर, जो अगर हम बताए जानकारी मिली है दोनों ही घरों की तरफ जाके कोशिश की जाएगी और दोनों घरों के आगे पक्का धरना लगाने की कोशिश की जाएगी। अब ये देखना होगा कि वहां तक पहुंच पाते हैं नहीं। ये जो कच्चे कर्मचारी है ये खुद को पक्का करने की मांग कर रहे हैं, इसी के साथ इन सभी कर्मचारियों की और क्या कुछ मांगे हैं उस पर भी प्रकाश डाले, उसको भी विस्तार से बताएं। और इसी के साथ सुरक्षा व्यवस्था जो है वो सीएम के घर के बाहर किस तरीके से कर दी गई है, क्योंकि इन्होंने पहले ही साफ कर दिया है कि वो सीएम के घर के बाहर जाकर अपना धरना प्रदर्शन करेंगे और पक्का धरना लगाएंगे। देखिए, सीएम अगर हम पंजाब सीएम के घर के आगे ऑलरेडी सिक्योरिटी बीफ अप, जो सरकारी घर है उसके आगे ऑलरेडी सिक्योरिटी को बीफ अप कर दिया गया, क्योंकि वहां पे हमेशा ही 24 घंटे सिक्योरिटी मौजूद रहती है। वही जो उनका सुषमा
का घर है उसके आगे बैरिकेडिंग कर दी गई और रास्ते ब्लॉक कर दिए गए। या हम कहेंगे करीब कुछ किलोमीटर तक पहले कहीं रास्ते ब्लॉक कर दिए गए। तो ये हम बात करते हैं मुलाजमों की मांग की, तो सबसे पहली मांग वो कर रहे हैं कि जो अभी बसेस है उनको बढ़ाकर 10 से 12 हजार किया जाए। जी हाँ, वो कहते हैं कि जितनी अभी बसेस है वो सभी पुरानी हो चुकी है और नई बसेस की सख्त जरूरत है पंजाब सरकार को लाने की, और जो बसेस की संख्या है वो 10 से 12 हजार की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार की तरफ से एक स्कीम लाई गई थी कि महिलाओं के लिए फ्री ट्रैवल है, कि बसें फ्री है, वो उसका पूरी तरह स्वागत करते हैं, पर उनका कहना है कि इससे महिलाओं की संख्या जरूर बढ़ी है, पर साथ में ये दिक्कत भी आ रही है कि अब क्योंकि बसें महिलाओं की संख्या बढ़ गई है पर उनकी से टिकट कोई नहीं लिया जाता, तो बाकी लोगों को जो आम जनता है, क्योंकि देखिए एट द एंड बैठ के ही कोई लिमिटेड क्वांटिटी बस लेके जा सकती है, तो उनके लिए दिक्कत आ रही है कि बसेस कम पड़ रही है और धूप ज्यादा लोग एक्टिव हो गए, तो मुलाजिमों सीधे तौर पर कहना है कि बसेस को बढ़ाने की जरूरत है। तो वही दूसरी तरफ उनको पक्का करने की मांग की जा रही है, उनका कहना है कि 10 10 12 12 साल से कच्चे मुलाजिम लगातार ड्यूटीज पे आ रहे हैं, लगातार सभी काम कर रहे हैं, तो आखिरकार उन्हें पक्का क्यों नहीं किया जा रहा, तो उन्हें उनको पक्का करने की जरूरत है। तीसरी जो उनकी डिमांड है, जो उनकी सैलरी बहुत कम है, सैलरी उनका कहना है कि हमारी सैलरी बहुत कम है, अगर हम कंपेयर कर ले जो पक्के मुलाजिम उससे करीब अगर हमारे 3 से 4 गुना का फर्क बताया जा रहा है, तो उनका कहना है कि हमारी सैलरी भी उसी बराबर की जाए। लगातार उनकी तरफ से धरना चल रहा है और ये धरना उन्होंने एक चीज क्लियर कर दिया है कि ये सिर्फ एक समय का धरना नहीं है, इससे पहले जब हम बात करें अगस्त में इनसे कॉल दी गई थी कि 9 10 और 11 को इनके जब धरने में जाएंगे तब इनकी पंजाब सरकार में मीटिंग हुई थी और उन्होंने इनसे मनाया गया था कि इनकी मांगे जैसे ही अगला सेशन आता है विधानसभा सेशन आता है उसमें रखी जाएगी और इनका कोई ना कोई हल निकाला जाएगा। तो इनका जो उस वक्त का धरना था 9 10 11 का वो इन्होंने रोक दिया था, पर सेशन भी आ गया एक दिन का, चाहे वो खास सत्र था, पर अब ये उनका सवाल उठता है कि आखिर क्यों उनको बार बार टाला जा रहा है, मीटिंगें हो रही हैं पर मीटिंग का कोई हल नहीं निकल रहा। तो इसे वो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि हमारी बातें कंसिडर करें, और अब जब वो पूरी तरह से धरने बैठ चुके हैं तो इसका खामियाजा ये हम कहेंगे इसके लिए रिस्पॉन्सिबल पंजाब सरकार ही है, क्योंकि वो उनकी बातें नहीं सुन रही और कहीं ना कहीं उनकी अनदेखी हो रही है। पर अब जब करीब 5 से 10 हजार कच्चे मुलाजिम धरने में बैठ चुके हैं तो पंजाब सरकार को देखना होगा कि इसको जल्द से जल्द इसका हल करे, क्योंकि आम जनता को बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानी सामना करना पड़ रहा है। जैसे सीधे तौर पर एग्जाम्पल दिया कि जहाँ जिस रूट पे 10 गाड़ियां 10 बसेस एक वक्त पे चलती हैं वहां पे अब सिर्फ एक चल रही है और वो भी ओवरलोड होके चलनी पड़ रही है, क्योंकि लोग इतने ज्यादा उस रूट पे एक्टिव हैं पर बसेस उस हिसाब से आ नहीं रहे, लोगों को कई कई घंटे अमित, वेट इसी करना के पड़ साथ रहा है। इन कर्मचारियों का क्या कहना है, क्योंकि देखिए पिछली बार जिस तरीके से आपने बताया इनको आश्वासन दिया गया था और उसके बाद इन्होंने अपना धरना खत्म कर दिया था, क्या अब एक बार फिर से अगर इनको आश्वासन दिया जाता है सरकार द्वारा तो क्या ये मानेंगे, क्या कुछ कहना है इनका? देखिए आश्वासन इनको इनके धरने से पहले ही दे दिया गया था, इन्होंने कहा था कि 9 10 11 की ये लोग धरने पे जाने वाले हैं, जिनकी इनकी मीटिंग हुई थी सब कमेटी के साथ तो उसमें इनको एक आश्वासन मिला था, जिसमें मंत्री दादा थे, सुखिंदर रंधावा थे, तृप्ता बाजवा थे, सभी थे, उन्होंने कहा था इनको आश्वासन मिला था कि इनकी मसले या कहेंगे इनकी दिक्कत परेशानी को कंसिडर किया जाएगा और इनकी मांगों को कंसिडर किया जाएगा, उन सबको जल्द ही जो आने वाले सेशन में उसमें उठाया जाएगा और इनको जल्द ही पक्का किया जाएगा, जिसके बाद उन्होंने अपना धरना जो करने वाले थे उसको कैंसिल कर दिया था, क्योंकि पंजाब सरकार से उनसे आश्वासन दिया गया था और रिक्वेस्ट की गई थी आप अपना धरना ना करें, क्योंकि अगर आप अपने धरने पे जाते हैं या आप 3 दिन बंद रखते हैं तो पंजाब को बहुत ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि देखिए एक एक्टिव बस सर्विस सिस्टम है वो पूरी तरह ठप हो जाएगा। कल एक दिन के ही जो बस सर्विस सिस्टम ठप हुआ था उससे लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानी आई थी और अब लोगों के मन में डर है कि जल्द से जल्द ये हो चाहते हैं कि ये बस सर्विस दोबारा शुरू हो जाए, क्योंकि ज्यादातर लोग दूर दूर तक नौकरियां करने जाते थे और उनमें बस सर्विस के थ्रू ही इसके जाते थे, पर अब अचानक से बस सर्विस ठप पड़ गई है तो अब उनको टेंशन है कि क्या वो अपनी नौकरी पे समय से पहुंचेंगे या नहीं, क्योंकि अब भीड़ भर चुकी है, कुछ गिनी चुनी बसें चल रही है और उसमें भी लोगों को लगातार लद के जाना पड़ रहा है, तो अब ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द बस दोबारा से बस सर्विस जितने भी कच्चे मुलाजिम वो दोबारा से एक्टिव ड्यूटी पे आए ताकि उनकी जो रुकी हुई बसेज है चाहे वो पनबस हो चाहे PRTC की हो तो वो जल्द से जल्द शुरू हो सके। अमित इसी के साथ देखिए बसों को पूरे तरीके से रोक दिया गया है, कहीं ना कहीं राजस्व का भी नुकसान यहाँ पर सरकार को देखने को मिल रहा है। देखिए नुकसान तो हो ही रहा है, करीब आप देख लेंगे 2 से 3 हजार बसेस खड़ी हो गई हैं, लगातार ये बसेस चलती हैं और देखिए ये सभी बसेस लगातार भर के चलती हैं, तो अचानक से इन बसेस का बंद हो जाना सरकार को जो रेवेन्यू वहां से आ रहा था वो तो अचानक से बंद हुआ ही है, साथ साथ उनकी गुडविल पे भी बहुत ज्यादा असर हुआ है। देखिए इस टाइम किसी भी सरकारी एम्प्लॉयज का या हम कहेंगे चाहे वो कॉन्ट्रेक्चुअली हो जो सरकार के अंडर हो उनके धरने पे जाना सरकार की इमेज को नेगेटिवली शो करता है, इलेक्शंस को 3 महीने रह गए हैं और ऐसे में इतनी बड़ी अगर हम कहें कि अगर रोडवेज का धरना लंबा चलता है तो लोगों में और गुस्सा बढ़ेगा, क्यों देखिए बस से सबसे ज्यादा ट्रैवल वर्किंग क्लास लोग ही करते हैं जिनको ड्यूटीज पे जाना होता है जो वोट करते हैं,
अगर वो नाखुश नजर आए, अगर उनको लगता है कि भाई सरकार कुछ काम करते हुए नजर नहीं आ रही है, तो उनमें और ज्यादा रोष बढ़ेगा। तो ऐसे में सरकार को बहुत ज्यादा जरूरी हो गया, जैसा पिछली मीटिंग में देखा जाता है, अगस्त में भी सरकार ने इसको बहुत प्रायोरिटी दी थी। अगर हम कहें सब कमेटी बनाई गई थी, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रजिया सुल्तान से भी इनकी बात हुई, तो उन सब चीजों पे वो कंसिडर कराया गया था। तो आप देख सकते हैं कि जब वहां से बातचीत हुई थी तो उनको धरना लगाने से पहले ही रोक दिया गया था। तो आप देख सकते हैं धरना लगाने से पहले रोकने को, तो आप समझ सकते हैं कि अगर धरना लगता है तो कितना बड़ा सरकार को नुकसान होता है इससे, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो इमेज के वाइज हो, चाहे वो लोगों को जो ड्यूटीज के लिए जाते हैं, उन सभी फैक्टर्स को कंसिडर करके उन्होंने कदम उठाया था। पर कहीं ना लेकिन कहीं अमित अब देखिए, जब सबसे टीम अहम की बात बात नहीं यह है सुनी। कि कल जिस तरीके से पहला दिन रहा इनका, उसके बावजूद क्या कोई बयान सामने आया है सरकार की ओर से, कि कोई आश्वासन इनको दिया गया है? किस तरीके से सरकार का रुख इस पूरे आंदोलन पर, इनके हड़ताल पर है? देखिए अभी तक ऐसे इनके लिए कोई स्टेटमेंट नहीं सामने आया है, इनसे बातचीत करने की कोशिश हुई या नहीं हुई ये अभी तक क्लियर नहीं है। जब उनसे बात की उन्होंने नहीं, बाकायदा मुलाजमों का कहना है कि हमसे किसी ने बात करने की कोशिश नहीं की गई। हाँ जब हमने धरने का ऐलान कर दिया तब हमें जरूर कहा गया था कि हम आपके ऊपर जो आपकी बात है उसको आगे रखने वाले हैं, तो आप धरने पे ना जाएं, ये चीज उनकी तरफ से बार बार कही गई थी। पर सवाल ये होता है कि उनका सीधे तौर पे कहना है कि हमें बार बार आश्वासन ही मिल रहा है, और अगर हम आश्वासन के हिसाब से ही रहेंगे तो हमें नहीं लगता कि हमें जितने भी हमारी मांगे वो कभी पूरी होंगे। तो इसलिए उन्होंने फाइनली निश्चय कर लिया है और सबने मिलके अपने धरने शुरू कर दिए। आज अगर हम कहें कल से अनिश्चितकालीन धरना शुरू हुआ है, मतलब इसका कोई एंड टाइम नहीं डिसाइड किया गया, इसका एंड उनके तौर पे सीधे तौर पे कहा है कि जब हमारी मांगे मान ली जाएंगी तब हम अपना धरना खत्म करेंगे, और धीरे धीरे लगातार ही अलग अलग मंत्रियों को भी घेरते नजर आएंगे। जैसे आप देख सकते हैं आज खुद पंजाब सीएम के घर के आगे जाके एक पक्का धरना लगाने वाले हैं, तो उसके बाद सेक्रेटरियट के आगे भी जाके, विधानसभा के आगे भी जाके ये लोग प्रदर्शन करें। तो आप इस देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप अलग अलग जगहों पे जाके इनकी तरफ से प्रदर्शन किया जाएगा, और जहां जहां पे भी जाएंगे वहां पे पक्के मोर्चे लगाए जाएंगे, ताकि लोग ये ना समझे या सरकार एक ना समझे कि सिर्फ एक बार का प्रदर्शन है, ये वो पक्का प्रदर्शन है और ये लंबे समय तक इनका प्रदर्शन चलता रहेगा जब तक इनकी मांगे नहीं पूरी होती। और मांगे कब तक पूरी हो जाएंगे? देखिए, ये तो अभी तक आश्वासन भी नहीं दिया गया है, बातचीत इनसे सरकार की ओर से नहीं की गई है, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या एक बार फिर से इनको आश्वासन दिया जाएगा या फिर मांगे मान ली जाएंगी? देखिए सब कमेटी की मीटिंग हुई है, इनसे पहले भी हो रही है, लगातार होती रही है, खुद ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रजिया सुल्तान से भी इनकी मीटिंग हुई है, लगातार बार बार इनको बता बोला जा रहा है, आश्वासन उनको शुरू से मिल रहा है कि जैसे ही अगली कैबिनेट माफ कीजिएगा अगर अगला सेशन आता है विधानसभा का, तो उसमें इनकी मांगे रखी जाएंगी, कैबिनेट जी मीटिंग में इनकी मांगे रखी जाएंगी और उन्हें कंसिडर किया जाएगा, और जो इनकी तरफ से जायज मांगे उठाई गई है उनके ऊपर अमल भी किया जाएगा और जल्द से जल्द इनको एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर मिलेगा। पर ये कह रहे हैं कि लगातार हमें लटकाया जा रहा है। अगर हम कहें कि अगस्त हो गया है, काफी लंबे समय से हम लोग अपनी मांगे कर रहे हैं, अगस्त से अब सितंबर शुरू हो चुका है और कुछ महीनों बाद कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा जिसके सरकार के पास पावर ही नहीं बचेगी, तो उनका कहना है कि जब तक सरकार हमारी बातें नहीं मानती है तब तक हम लोग प्रदर्शन करते रहेंगे, और जब तक सरकार के अथॉरिटी है तब तक हम उनका विरोध करते रहेंगे। कोड ऑफ कंडक्ट से पहले उन्होंने ये तौर पर कहना है कि जब तक सरकार के अथॉरिटी है हमें पक्का करने की तब तक हम अपनी मांगों के लिए लड़ते रहेंगे, और उसके बाद अगर जरूरत पड़े तो शायद उसके बाद भी लगातार डटे रहेंगे। लेकिन जिस तरीके से अमित प्रदर्शन एक बार फिर से शुरू हो गए हैं सरकार के खिलाफ, क्या लगता है विधानसभा चुनावों में इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है? क्योंकि आरोप आम आदमी पार्टी द्वारा भी लगाए गए हैं कुछ आरोप, और अब जिस तरीके से यहाँ पर कर्मचारी जो है वो परेशान हो रहे हैं और वो सीधे तौर पर सड़कों पर उतर आए हैं, क्या लगता है क्या स्थिति बन रही है? देखिए सीधे तौर पे इसका खामियाजा सरकार को उठाना ही पड़ेगा, ये एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड मैथ्स कंसिडर होगा। देखिए जब आम जनता को किसी पहलू से नुकसान होता है या उनको लगता है कि दिक्कत परेशानी है, सीधा ही इसका जिम्मेदार वो सरकार को मानती है, और यहाँ पर एक अहम सर्विस है बस, पंजाब की बस सर्विस, सरकारी बस सर्विस एक बहुत अहम सर्विस है जिसको रोजाना लाखों लोग इस्तेमाल करते हैं अपनी ड्यूटीज पे जाने के लिए, अपने जॉब्स पे जाने के लिए। अगर हम कहें किसी भी डेस्टिनेशन, चाहे वो हॉस्पिटल जा रहे हो, ड्यूटीज पे जा रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी जगह जा रहे हो, तो इन सब में प्रायोरिटाइज हमेशा सरकारी बसेस की जाती है, क्योंकि वो सस्ती भी होती है और ज्यादा अगर हम कहें कि जल्दी भी पहुंच जाती है। वहीं अचानक से इन सब का बंद हो जाना इन लोगों के लिए, या हम कहें कि आम जनता के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत की बात हो जाती है। तो ऐसे में आम जनता सीधे तौर पर रिस्पॉन्सिबल किसे मानती है? सरकार को, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जितने भी ड्यूटी पे कर्मचारी हैं, चाहे वो कच्चे हों चाहे वो पक्के हों, उन सबकी मांगे पूरी की जाए या उनकी बातें सुने और जितना हो सके उनको जल्द से जल्द हल करे, ताकि बिल्कुल। आम जनता लेकिन को अब नुकसान ना देखना हो। होगा अमित कि ये कर्मचारी जो है इनकी ये जो मांगे हैं कब तक मानी जाती है और कब इनकी समस्याओं का समाधान किया जाता है। बहुत शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।